श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस षष्ठ सोपान लंका कांड। कामदेव जी के शत्रु शिव जी के सेव्य यानी जन्म मृत्यु के भय को हरने वाले काल रूपी मतवाले हाथी के लिए सिंह के समान योगियों के स्वामी यानी योगीश्वर ज्ञान के द्वारा जानने योग्य गुणों की निधि अजय निर्गुण निर्विकार माया से परे देवताओं के स्वामी दुष्टों के वध में तत्पर ब्राह्मण वृंद के एकमात्र देवता यानी रक्षक जल वाले मेघ के समान सुंदर श्याम कमल से नेत्र वाले पृथ्वीपति यानी पृथ्वी के राजा के रूप में परम देव श्री राम जी की मैं वंदना करता हूँ। उन्होंने पर्वत को देखा पर औषधि ना पहचान सके। तब हनुमान जी ने एकदम से पर्वत को ही उखाड़ लिया। पर्वत लेकर हनुमान जी राखी में आकाश मार्ग से दौड़ चले और अयोध्यापुरी के ऊपर पहुंच गए। देखा भरत विशाल अति निश्चर मन हनुमान बिन पर साया कमारे चापन लगीता। भरत जी ने आकाश में अत्यंत विशाल स्वरूप देखा तब मन में अनुमान किया कि ये कोई राक्षस है। उन्होंने कान तक धनुष को खींचकर बिना फल का एक बाण मारा। अरे उमरची महिला गत सायक सुमिरत राम राम रघुनायक सुनि प्रिय वचन भरत तब धाये कपि समीप अति आतुर आए। बाण लगते ही हनुमान जी राम राम रघुपति का उच्चारण करते हुए मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। प्रिय वचन राम नाम सुनकर भरत जी उठकर दौड़े और बड़ी उतावली से हनुमान जी के पास आए। विकल बिलोक कीश उरलावा जागत नहीं बहु भांति जगावा मुख मलिन मन भये दुखारी कहत वचन भरी लोचन भारी। हनुमान जी को व्याकुल होकर उन्होंने हृदय से लगा लिया। बहुत तरह से जगाया पर वे जागते न थे। तब भरत जी का मुख उदास हो गया। वे मन में बड़े दुखी हुए और नेत्रों में विषाद के आंसुओं का जल भरकर ये वचन बोले। यही विधि राम विमुख मोहि कीना यही पुन ए दारुण दुख दीना जो मोरे मन बच अरुकाया प्रीति राम पद कमल अमाया। जिस विधाता ने मुझे श्री राम से विमुख किया उसी ने फिर ये भयानक दुख भी दिया। यदि मन वचन और शरीर से श्री राम जी के चरण कमलों में मेरा निष्कपट प्रेम हो तो कपि हो विगत श्रम सूला जमो पर रघुपति अनुकूला सुनत वचन उठी बैठी कपीसा कही जय जय श्री कौशला दीसा। और यदि श्री रघुनाथ जी मुझ पर प्रसन्न हो तो ये बानर थकावट और पीड़ा से रहित हो जाए। ये वचन सुनते ही कपिराज हनुमान जी कौशलपति श्री रामचंद्र जी की जय हो कहते हुए उठ बैठे। लीन कपिन उरलाई फूल के तन लोचन सजल प्रीति न हृदय समाय सुमिर राम रघुकुल तिलक। भरत जी ने बानर हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में आनंद तथा प्रेम के आंसुओं का जल भराया। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके भरत जी के हृदय में प्रीति समाती न थी। सात कुशल कहूँ सुख निधान की सहित अनुज अरुमा तो जान की कपि सब चरित समास बखाने भय दुखी मन महु पछिताने
भरत जी बोले, हे तात, छोटे भाई लक्ष्मण तथा जानकी सहित सुख निधान श्री राम जी की कुशल कहो। बानर हनुमान जी ने संक्षेप में सब कथा कही। सुनकर भरत जी दुखी हुए और मन में पछताने लगे। आ देव मैं तत जग आयो, प्रभु के एक का जुना आयो। जानी को अब सर मन दर धीरा, उनका पीसा न बोले बलबीरा। हाँ देव, मैं जगत में क्यों जन्मा, प्रभु के एक भी काम न आया। फिर को अवसर विपरीत समय जानकर मन में धीरज धर कर बलबीर भरत जी हनुमान जी से बोले। तात गहरु होई है तो ही जाता, काजू नशा ही होते प्रभाता। जल मम सायक सहल समेता, पठवाऊ तो ही जहाँ कृपा निकेता। हे तात, तुमको जाने में देर होगी और सवेरा होते ही काम बिगड़ जाएगा। अतः तुम पर्वत सहित मेरे बाण पर चढ़ जाओ, मैं तुमको वहाँ भेज दूँ जहाँ कृपा के धाम श्री राम जी हैं। सुन कपि मन उपजा अभिमाना, मोरे भार चले की निबाना। राम प्रभाव बिचारी बहुरी, बंदी चरण कहे कपि कर जोरी। भरत जी की ये बात सुनकर एक बार तो हनुमान जी के मन में अभिमान उत्पन्न हुआ कि मेरे बोझ से बाण कैसे चलेगा। किंतु फिर श्री रामचंद्र जी के प्रभाव का विचार करके वे भरत जी के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोले। प्रभु प्रताप और राखी प्रभु जई हूँ नाथ, तुरंत अस कही आय सुपाही पद, बंदी चले हनुमंत। हे नाथ, हे प्रभु, मैं आपका प्रताप हृदय में रखकर तुरंत चला जाऊंगा। ऐसा कहकर आज्ञा पाकर और भरत जी के चरणों की वंदना करके हनुमान जी चले। भरत बाहुबल शील गुने, प्रभु पद प्रीति अपार। मन मोह जात सराहत, पुनि पुनि पवन कुमार। भरत जी के बाहुबल शील सुंदर स्वभाव गुण और प्रभु के चरणों में अपार प्रेम की मन ही मन बारंबार सराहना करते हुए मारुति हनुमान जी चले जा रहे हैं। जय हो महावीर हनुमान।